हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मकर राशि के जातकों के बारे में कि जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आपको खेती से लाभ मिलेगा, इंडस्ट्री से लाभ मिलेगा या प्रॉपर्टी से लाभ मिलने वाला है, ये सारी बात आज हम आपको बताएंगे। विदेश यात्रा की क्या स्थिति रहेगी और किस क्षेत्र में काम करें तो आपको सफलता मिलेगी और महिला मित्रों से आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, सरकारी नौकरी मिल सकती है या राजनीतिक लाभ मिलेगा, आपके घर में शहनाई बजेगी या खिलकारी गूंजेगी, ये सारी बातें भी आज हम आपको बताएंगे। और आपको अज्ञात भय से क्यों चिंतित रहते हैं इस पर भी बात करेंगे और आपको क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय करना है, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या करने वाले हैं, सरकार से नौकरी मिलेगी या सरकार से आज आपको नुकसान हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। कोर्ट कचहरी में आपके साथ क्या होने वाला है उस पर भी बात करेंगे। नए तरह की प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वह विवादित तो नहीं होगी, इस पर भी बात करेंगे। और आज आपके लिए शुभ अंक क्या होगा ये भी बताएंगे, शुभ रंग क्या होगा और आपको उपाय क्या करना है, सावधानियां क्या बरतनी है, सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। तो जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, माली हालत बहुत ही अच्छा होगा, धन धान की स्थिति में किया गया प्रयास सार्थक होगा, माता पिता का सुख मिलेगा, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में अगर आप कोई भी पूंजी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज नए तरह की इंडस्ट्री लगाने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सेकेंड या थर्ड एडवाइज लेके कार्य करना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। प्रॉपर्टी से अगर कोई भी विवाद चल रहा है तो उसमें आपके विपक्ष में जा सकता है, कोर्ट कचहरी में अगर कोई विवाद चल रहा है तो आपके विपक्ष में जा सकता है। और रोग और शत्रु को हल्के में ना लें, वाणी पर नियंत्रण रखें। आप कई बार अपने लोगों को अपने वाणी से अपना शत्रु बना लेते हैं जो आपके व्यवहार के लिए उचित नहीं है। जो व्यक्ति आपको मानता है, जो आपको प्यार करता है, जो आप पर आपसे कंसर्न रखता है उसको आप पराया समझते हैं, जो आपको धोखा देता है, जो आपके साथ हमेशा गलत करता है उसको अपना समझते हैं। तो ये अपने पराये में थोड़ा सा विभेद करने की समझने की जरूरत है, सेल्फ रिव्यू करना आपके लिए बेहतर होगा। वाणी पर कंट्रोल करें, आंख की समस्या हो सकती है और कटु भाषा बोलने से परहेज करें। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं तो आप बहुत अच्छा कहानी लिख सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं और नए तरीके के कार्य कर सकते हैं जो काफ़ी मौलिक हो सकता है। तो इंटेलेक्चुअल कार्यों से आज आपको लाभ मिलेगा, लालित्य कला से, लालित्य क्षेत्र से भी धन मिलने की संभावना बन रही है। वाणी पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी, भाई बहनों का पूरा सुख मिलेगा, सहयोग मिलेगा, भाई बहनों के लिए प्रति आपके मन में समर्पण की भावना रहेगी और माता का सुख मिलेगा, नए तरह के कार्य करने से मन प्रफुल्लित रहेगा। यदि रियल इस्टेट प्रॉपर्टी इत्यादि या भूम भवन खरीदना चाहते तो भी रुकने की जरूरत है, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। अज्ञात व्यक्ति से कोई भी डील करना आपके लिए घातक हो सकता है, इसलिए अज्ञात व्यक्ति से कोई भी डील ना करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पत्नी से थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, भाग्य साझा के सारे कार्य संपन्न होंगे। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतने की बात विवाद कहीं ना करें, मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए बेहतर होगा। और आज आपको उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि भगवान शनिदेव को आज आप क्या करें कि छाया दान करें और सरसों का तेल दान करें और चिड़ियों को दाना खिलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके लिए शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है सफेद। हरे कृष्ण।